नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के न्यूज अपडेट में। तो आज 69,000 शिक्षक भर्ती की चौथी काउंसलिंग यानी 6800 के लिए जो लखनऊ SCRT पर महाधरना था, आज वो संपन्न हुआ। आपको बता दें कि धरने की सफलता ये है कि सरकार की ओर से हर संभव मदद का जो वादा है उसे शिक्षा मंत्री जी ने भी दोहराया, यानी कि सरकार हर संभव मदद करेगी 25 अप्रैल को। SCRT पर काफ़ी भीड़, ज़्यादा भीड़ था आज यहाँ पर। जो अभ्यर्थी थी 6800 की लिस्ट की नियुक्ति पत्र की मांग को लेकर के, लेकिन 25 अप्रैल को जो कोर्ट सुनवाई है, उसके बाद शिक्षा मंत्री जी का जो घेराव है वहाँ पर, माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री से हुई मुलाकात, साथ में बेसिक शिक्षा सचिव प्रताप सिंह बघेल और शिक्षा निर्देशक सवेंद्र विक्रम सिंह भी मौजूद रहे। सरकार बिना कोर्ट के डायरेक्शन से कुछ नहीं करेगी। सरकार 25 को प्राइवेट काउंसलिंग उतारेगी। सरकार मुद्दे को जल्द से जल्द निस्तारित करना चाहती है। AG का अपॉइंटमेंट अभी नहीं हुआ है। जो ये बेसिक शिक्षा मंत्री से बातचीत हुआ है उसके अनुसार, इसके लिए यहाँ पर लिखा गया है लीगल टीम की ओर से, हमारे साथ इंद्रेश चौधरी, संदीप चौधरी और अजय चौधरी भी मौजूद रहे। ये संदीप सिंह राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार शिक्षा मंत्री उत्तर प्रदेश से मुलाकात के बाद जो जानकारी मिल रही है कि 6800 पे सरकार हर संभव मदद करेगी। इसके अलावा पूरी तैयारी के साथ प्राइवेट काउंसलिंग भी उतारेगी। यहाँ पे रंजीत यादव और उनके साथीगण भी मौजूद हैं। इनकी ओर से कहा जा रहा है कि जैसा कि मैंने 10 दिन पहले ही पोस्ट के माध्यम से बता दिया था कि सरकार की तरफ से प्राइवेट काउंसिल हायर करने की बात चल रही है, वैसा ही आज मीटिंग में उन्होंने बोला कि बाकी जिसको ट्रोल करने में मजा आता है करते रहे। प्राइवेट काउंसिल का मतलब होता है कि परिषद अपनी तरफ से एक सीनियर अधिवक्ता उतारेगी। तो प्राइवेट काउंसिल का क्या मतलब, यहाँ पे देखिए लीगल टीम की ओर से जो जानकारी दी जा रही है कि इसका मतलब है कि 6800 की लिस्ट की नियुक्ति के लिए अधिवक्ता भी फाइनल हो गए हैं और एक सीनियर अधिवक्ता उतारेगी। यानी प्राइवेट काउंसिल का मतलब परिषद अपनी तरफ से एक सीनियर अधिवक्ता उतारेगी और 6800 नियुक्ति के लिए अधिवक्ता भी फाइनल हो गए हैं। ये लीगल टीम की ओर से जो शासन से प्रस्ताव को मंजूरी मिलना बाकी है, क्योंकि अभी आज 20 है, यानी 1 से 2 दिन में ये मंजूरी मिल जाएगी। आज दिन भर चले धरना प्रदर्शन में महिलाओं की भी अच्छी खासी उपस्थिति रही। मीडियाकर्मी भी वहाँ पर छात्रों की समस्याओं को सुनते, और ये सभी जिलों से आए हुए अभ्यर्थी। सभी लीगल टीम यही कह रही है कि हमने पहले ही बता दिया था कि प्राइवेट काउंसिल उतारेगी सरकार, जो कि आज शिक्षा मंत्री जी ने भी यही बात बताया है। तो अब आयोग टीम भी अपनी ओर से संदीप दीक्षित जी को उतारेगी, बाकी सरकार जो भी सहयोग करेगी सरकार की ओर से अपना जो मैटर वो क्लियर है। अब आयोग टीम और यानी कि 6800 लिस्ट के जो अभ्यर्थी समर्थक हैं उनकी ओर से क्या प्रयास हो रहा है, ये जल्द ही क्लियर हो जाएगा।